आपको हम चौकीदार लगा देंगे इसमें। तो चौकीदार तो लगाया नहीं इन्होंने, अभी 8-9 साल हो गए, वही खड़पंच सरपंच जो भी है, तो ये हमारी बात को गौर से नहीं सुनते हैं, चमचे गिरा देते हैं, बोलते हैं छोड़ो जी उस बकाम को। आपने किसको वोट दिया था? हमने दिया था शक्तिराज पड़ियार को। हम तो काम पे वोट देंगे आज के बाद, पहले हमने नाम पे दिया था तो अब काम पे। बोले यार आप ठेकेदार बनते हो, किस बात को बनते हो, आप हमारा पैसा करो। पंचायत घर खस्ता हाल है, जितना कुछ काम हुआ है वो सब जाया है। ये कुछ डिपार्टमेंट की लापरवाही है, कुछ यहाँ गई हमारे पंच सरपंच सरपंच जो है वो भी इसमें तवज्जा नहीं दे रहे हैं। हमें यही बोलते हैं कि जी पैसा नहीं मिलता है तभी छोड़ देते हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ टांटना पंचायत के पंचायत घर में। आप देख पा रहे होंगे अच्छे से, कैमरामैन से कहूँगा कि ये पूरा पंचायत घर दिखाएं, और आप लोग खुद भी जान चुके होंगे कि आखिर इस पंचायत घर की ऐसी हालात देखकर आपको कैसा लग रहा हो। कुछ लोगों का ये भी सवाल रहेगा कि इतना अच्छा तो पंचायत घर बना दिया गया है, अब क्या है, खाली ऊपर से लेंटर नहीं है। तो मैं इस तमाम लोगों को बता दूं कि लगभग 10 साल लग चुके हैं इनको ये इतना स्ट्रक्चर खड़ा करने में। 10 साल पहले ये पंचायत घर इस पंचायत में आया था, उसके बाद इस पंचायत ने कितनी बारिशें झेली हैं, कितनी सर्दियां झेली है, कितनी बर्फ झेली है, जिसके कारण इसकी हालात अब एक बूढ़े आदमी की जैसी हो गई है। क्योंकि मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, इसके अलावा ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि ईंटें जो हैं, ईंटें भी हमें पूरी बता रही हैं कि अब मुझे जो है यहाँ से इस ग्रिप से आज़ाद करो, अब हम यहाँ पर और ज़्यादा देर नहीं टिक सकती हैं। तो अगर ईंटें ये सवाल कर सकती है, ये जो है ईंटें हमसे ये मदद मांग रही है कि अब तो हमारा कुछ करो, हमें अपना सर छुपाने के लिए जो है जगह तो दे दो, हमारे ऊपर भी कम से कम लेंटर तो डाल दो। लेकिन 10 साल हो चुके हैं, 10 सालों में इस पंचायत घर के ऊपर कोई छत नहीं है, और आप इसकी हालात जो है अच्छे से देख पा रहे होंगे, अंदर घास फूस लग गया है। इस पर जितना पैसा जो लगाया गया था, जितनी फंड्स यहाँ पर लगी थी, वो सारी जो है टोटल लॉस में, यानी कि पब्लिक का पैसा पब्लिक को ना मिलकर इन जगहों पर जो है वेस्ट हो चुका है। लेकिन हालात आप देख सकते हैं, और ये हालात सिर्फ इस एक टांटना पंचायत में ही नहीं है, ऐसी बहुत सारी पंचायत हमारी डिस्ट्रिक्ट डोडा की है जहां पर तो कागज़ों में तो पंचायत घर बना भी दिए गए हैं, लेकिन रियलिटी में तो वहां पर एक पत्थर भी नहीं डाला गया है। कहीं ना कहीं वैसा ही हाल यहां का भी है, यहां के लोग जो हैं इतने मजबूर हैं इस पंचायत घर को लेकर, और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्होंने केस कर दिया है डिपार्टमेंट के खिलाफ, और उनका डिपार्टमेंट का जो केस है अभी पिछले 5-7 सालों से जो है चल रहा है। लेकिन जो गरीब इंसान है, जिसकी कहीं मंशा होती है, बहुत उपेक्षा होती है, चाहे वो DDC चुनता है, BDC चुनता है, या जो भी सरकार के लोगों को चुनता है, अपने नुमाइंदों को चुनता है, तो वो बहुत उम्मीदें बहुत उल्लास से उन लोगों को चुनते हैं। या गांव में जब सरपंच बनाए जाते हैं तो इसीलिए बनाए जाते हैं, उनको इसीलिए वोट देकर जिताया जाता है कि ये बंदा जो है ये मेरा काम करेगा। लेकिन हालत क्या है, वो चाहे आप बड़े बड़े नेताओं से लेकर ग्राउंड लेवल के नेताओं की बात करें, तो मैक्सिमम लोग जो हैं वो करप्ट हैं। क्योंकि उन्हें लगता है गांव के जो लोग हैं, जो जितने भी गांव के लोग हैं, वो तो बोले बाले हैं, उनको हम ठगा देंगे, वो ठग जाते हैं। पिछले 70 सालों से उनको लूटते आए हैं, 80 सालों से उनको लूटते आए हैं, उन्हें बेवकूफ़ बनाते आए हैं, तो इस बार कौन सा उन्होंने उनको किसी ने जो है कोई पाड़ा पड़ा लिया होगा, तो वो हमें पूछेंगे कि आपने क्या काम किया है। या लोगों के जो अब माइंड सेट हैं, इन लोगों को बदलना पड़ेगा, इन्हें अपने आप को वोट बैंक से हटाकर काम के नाम पर जो है वोट देने पड़ेंगे, तब जाकर जो इनके पंचायत की हालत है, चाहे इनकी डिस्ट्रिक्ट की हालत है या स्टेट की हालत है, वो तभी सुधर पाएगी। आखिर क्या कारण थे कि जिसके कारण 10 साल हो चुके हो, 10 सालों में इसको बनाया नहीं गया? क्यों जो गांव के लोगों को टॉर्चर किया जाता है कामों को लेकर, उन्हीं की जमीन, उन्हीं का पैसा, उन्हीं का काम, और उन्हें ही कुछ नहीं, आखिर ऐसा क्यों होता है? एक गरीब जो है हर जगह पर, चाहे कोई भी पॉलिसी हो, कोई भी स्कीम हो, कोई भी वादे हो, तो वहाँ पर सिर्फ एक गरीब ही क्यों मारा जाता है? चलिए यहाँ पर इस पंचायत के लोगों से भी बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ त्रुटियां रह गई जिसके कारण जो है अभी तक इस पंचायत घर को जो है पूरा नहीं किया गया। तो चाचा आप मुझे बताएं क्या नाम है आपका? मेरा सुग्रीव शर्मा। तो ये जो क्या मसला है इस पंचायत घर का? देखिए जी, मैं मीडिया के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि जब मैंने ये पंचायत घर के लिए मतलब लैंड दी, तो उन्होंने बताया, BDO साहब उस टाइम थे अनिल चंडेल, उन्होंने बोला आपको 2-3 साल तक हम ये इसमें आपको चौकीदारी दे देंगे।
तो चलो आया ये सर, तो ये काम किया मैंने खुद यहाँ पे लेबर का काम किया, तो ना वो पेमेंट मुझे मिली है, ना इसको कोई देख रहा है, ना ये बन रहा है, ये सड़ा, मतलब 40,000 की ईंटें मेरी ज़मीन पे यहाँ पे डाली, 40,000 ईंटें, तो ज़मीन भी तबाह, अब ये बिल्डिंग भी तबाह। हम यही कहना चाहते हैं कि चलो अगर गवर्नमेंट की कोई भी बिल्डिंग आती है तो वो बननी चाहिए, हमें बाकी कुछ दुख नहीं है, हम सोचते हैं कि बननी चाहिए, चाहे मैंने ज़मीन दी या नहीं दी है तो बननी चाहिए। तो देखो ये ऐसे छोड़ा हुआ है, आप खुद देखोगे यहाँ पे कि ये पूरा सड़ा हुआ है, ईंटें भी सड़ गई है, पूरा ज़मीन भी सड़ गई है, मतलब इसको कुछ नहीं रहा है, पत्थर शत्थर जो भी थे इसके सड़े हुए हैं, बिंडू वगैरह ये सब सड़ गए हैं। लगभग कितने साल हो गए अब इसको यहाँ? इसको सर कोई 2012 में ये काम किया हुआ है इसको, तो 2012 से अभी 2021 तक सर कोई 9 साल हो गए सर, 8-9 साल हो गए। आप सरपंची बीडीसी वगैरह इनको भी नहीं पूछते जो जिनको हम हुक्मरान चुनते हैं? देखिए कोई नहीं ये समझता है, सरपंच को भी बताया जाता है तो वो भी नहीं सुनता है, कोई भी है मतलब कोई खड़पंच सरपंच जो भी है तो ये हमारी बात को गौर से नहीं सुनते हैं, ये बोलते हैं जाओ जी मारो उधर, खुद बताओ उनको जाके। आपने किसको वोट दिया था? हमने दिया था शक्तिराज पडियार को। अच्छा, बीजेपी को? तो उन्होंने नहीं सुनी, पहले से ही उसको देते आए सर। अच्छा, तो अभी तक ये इनकी ये हालात है सर। तो आप काम पे वोट दोगे या परिवार के नाम पे वोट दोगे? हम तो काम पे वोट देंगे आज के बाद, काम पे वोट, काम पहले हमने नाम पे दिया था तो अब काम पे वोट देंगे सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़े हैं, इनसे भी पूछेंगे इस पंचायत घर के बारे में, आखिर क्या कहानी है इस पंचायत घर की? सर कहानी यही है, जो ये हमारा पंचायत में पंचायत घर बना था ये तो बांटा दिया जाए, पहले यहाँ के जो हमारे लोकल बंदे थे बशीर वानी और एक उसका भाई था, उनको दे दिया भाई आप करो, उन्होंने किया तो प्लांट उन्होंने दिया तो हमें पत्थर वत्थर डुलान सब कुछ किया, तो हमारा पैसा जो था तो वो उन्होंने नहीं दिया, जब उनका कुछ पता नहीं क्या हुआ तो उन्होंने छोड़ दिया, जब उन्होंने छोड़ दिया उसके बाद ये 2-4 साल ऐसे ही रहा पेंडिंग में, उसके बाद 2-4 साल के बाद आया जी इधर हमारा बंसीलाल है वो आया, उसने पकड़ा दे दिया ब्लॉक वालों ने उसको, भाई आप करो, जो हमारे पहले के पैसे है वो गए, फिर आया हमारे पास बंसीलाल बोलने लगा आप आ जाओ तो मैं पैसे आपको दे दूंगा, जितने भी इसका आपका पैसा बनेगा वो दे देंगे, जब बंसीलाल आया उसने ईटे शीटे डलवाए इसके खेत में यहाँ, तो हमने डाले हमने सब कुछ किया, तो उसके बाद काम शुरू हो गया, जब काम शुरू हो गया तो हमने काम किया, मुझे 4-5 खचरे थे मैंने रेत बजरी ढोया, तो जब काम शुरू हो गया जब उसने यहाँ तक पहुँचाया तो उसने छोड़ दिया, हमने उसको कहा हमारा 50-50, 60-60 हज़ार है वो तो दे दो आप, हम कहाँ लेंगे ब्लॉक वालों से यहाँ गवर्नमेंट से, जो हमारे 60 ठेकेदार आए हम उससे लेंगे, तो बंसीलाल ने किया मुझे आगे से पैसा नहीं मिला, आप रुको ब्लॉक वालों ने खा दिया बाला, आप रुको अभी तो उसने ऐसे नहीं, फिर जब हम रुके 2-3 महीने फिर रुके हम 2-3 महीने फिर रुके हम 2 साल, 2 साल के बाद हम 10-15 बंदे उसके पास गए, हमने बोला यार आप ठेकेदार बनते हो किस बात को बनते हो, आप हमारा पैसा करो जमा यहाँ, जो हमने काम किया खून पसीना हमारा तो हमारे बच्चे कहाँ जाएं, उसने बताया आप जाओ जी ब्लॉक वालों से बताओ उन्होंने हमें पैसा खा लिया, वो पता नहीं किसने बांटा किसको बांटा किस मिनिस्टर ने दिया किसने बांटा क्या किया ऐसे उसने रगड़ाया हमें। ये किसने बोला आपको? वो बोला बंसीलाल ने, बोला मेरे पास कोई पैसा नहीं है आप जाओ उनसे बताओ का। तो हमारे को कोई नहीं पूछता, आज उसको बोलते हैं जी बंसीलाल जी हमारा पैसा करो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, बोलता है जाओ बीडीओ साहब को बोलो, उसने बिल ही नहीं बनाया, उसने ये जेई साहब ने बिल ही नहीं बनाया ये, और मगर इसका पैसा जो है 50% निकाला गया है, इसका पैसा बंद थोड़ा है, ये भी मैंने कोशिश की भाई इसका पैसा कितना है उधर, ये बोल रहे हैं इसका पैसा कोई 25% हमारे पास है और 50% उनको दे दिया गया है, तो हमारे पास कुछ नहीं पहुंचा। चाचा आपकी तो ज़मीन भी चले गई, आपका काम भी चला गया, आपकी मजदूरी भी इसमें चले गई, तो आप क्या अपील करना चाहेंगे? सर अब मैंने 1-2 महीने पहले RTI भी करवाई, RTI करवाने के बावजूद तो मुझे ऐसी प्रॉब्लम हो गई, मुझे इन्फेक्शन हो गई हड्डी में, मैं 2 महीने एडमिट रहा हॉस्पिटल में जम्मू में, उसके बाद आज भी मैं सोटी पे चल रहा हूँ क्योंकि मैंने फिर वो धंधा छोड़ दिया, अभी मेरे पास फाइल पड़ी हुई है सर RTI की, DC साहब से एप्लीकेशन भी ली मैंने, मेरे पास अभी भी इधर पड़ी हुई है बैग में, दिखा भी सकता हूँ मैं आपको। क्या लगता है आपको ये पंचायत घर है या चिड़ियाघर है? ये सर मुझे लगता है चिड़ियाघर ही है शायद, चिड़ियाघर, चिड़िया भी नहीं बैठ रही यहाँ पे सर उनसे, वो भी BDO साहब ने एक बार मुझे बोला जी आपको मोदी के पास जाओ, बोला अगर हमने मोदी के पास जाना ही था तो फिर आप क्यों हो ब्लॉक में? वही सर, तो अभी फिर लड़ाई झगड़े का काम हो जाता तो हम गरीब आदमी ज्यादा लड़ाई झगड़ा भी नहीं कर सकते वहाँ पे, क्योंकि हमारी कोई सुनता भी नहीं है ना कुछ। वीडियो कौन? वीडियो था उस टाइम पे ये सर मनोज भगत,
मनोज भगत कहाँ से? ये किश्तवाड़ से थे। अच्छा, मनोज भगत किश्तवाड़ से, इन्होंने आपको ओरली कहा? हाँ, और बिल्कुल मुंह से बताया हाँ, उनकी डोडा जो वोट है, वोट आप काम के नाम पे देंगे या धर्म के नाम पे देना पड़ेगा? धर्म के नाम पे नहीं देना है सर। मेरा नाम स्वामी राज शर्मा है। बहुत धन्यवाद आपका, आप जो हमारे साथ बात जो उठा रहे हैं इसका मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो ये जो पंचायत घर का सवाल जो आपने उठाया है, पंचायत घर का मुझे भी ये बड़ी हैरानगी है कि पंचायत घर खस्ता हाल है, जितना कुछ काम हुआ है वो सब जाया है। तो बारिशों की वजह से वो ईंटें शीटें जो हैं वो दीवारें घिर रही हैं। तो मुझे ये बहुत हैरानगी है कि मुझे पता नहीं लगता है, गांव का किसी भी पब्लिक को पूछे आप, किसी को पता नहीं होगा कि ये क्या मदारी का खेल है, क्या है ये। और पब्लिक जितनी भी है वो बड़ी परेशान है। दो तीन यहाँ पे ये काम उठाए हैं तो सभी अधूरे हैं, हमें पता नहीं लगता है ये क्या है क्या नहीं है, गवर्नमेंट कहाँ सोई हुई है और इनके पीछे कोई क्या है क्या नहीं है। तो पहला जो कॉन्ट्रैक्ट था वो किसको दिया गया था? वो अजीत वानी था, भद्रगवाड़ी का, इसी पंचायत का था वो भी, अजीत वानी भद्रगवाड़ी का। तो उसने पलंथ लेवल का तैयार किया हुआ था, उसके बाद उसने छोड़ दिए। तो उसके बाद जो है उन्होंने दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया, और दूसरे कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया? उन्होंने भी वहाँ तक वो रूफ लेवल का तैयार किया। तो उसके बाद उन्होंने भी यही बहाना बनाया कि डिपार्टमेंट हमें पैसा नहीं देता, हम आगे कैसे तैयार करें इसको। बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरधारीलाल शर्मा है। आप इसी पंचायत के हैं? हाँ जी बिल्कुल, इसी पंचायत के। तो आप हमें ये बताएं कि तकरीबन जो है, इन्होंने बताया कि लगभग 10 साल हो चुके हैं इस पंचायत घर को, तो आपको क्या लगता है कि क्यों काम नहीं हो रहा है? ठीक बोला, यही लापरवाही है, कुछ डिपार्टमेंट की लापरवाही है, कुछ यहाँ कहीं हमारे पंच सरपंच साहिबान जो हैं वो भी इसमें तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो लापरवाही तो होनी, काम कैसे चलेगा? बहुत ज़रूरी चीज़ है कि पंचायत घर हर जगह जब बन रहे हैं यहाँ भी बनना चाहिए, क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ की पंचायत करनी होती है, कोई इजलास करना होता है वो पंचायत घर पर ही मुश्तमल होता है, तो वो ऐसी जगह कोई है नहीं। तो चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। तो आपको क्या लगता है कि जो लगभग कितना पैसा जो है अब तक इस पंचायत घर के लिए सेंक्शन हो चुका होगा, लेकिन जो है ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं दिख रहा? पैसा तो सर ठेकेदारों को ही पता होगा, जिसने पहले काम किया कितना था, कितना उसको मिला। हमें यही बोलते हैं कि जी पैसा नहीं मिलता है तभी छोड़ देते हैं। जिस ठेकेदार ने ये लिया था ये बोलता है मैंने कोर्ट केस कर दिया जी, मेरे को पैसा नहीं मिला है। अब कोर्ट केस चल रहा है तो अब देखते हैं क्या होगा। ये जो चिड़ियाघर है इसकी हालात तो आपने देख ही ली, क्योंकि पंचायत घर अगर होता तो शायद इसके बाहर बोर्ड लगा होता, इसके ऊपर से लेंटर होता, अंदर जो है अच्छे से फर्शिंग की हुई होती, कि जितने भी लोग हैं जिन्हें हम चुनते हैं अपने कामों के लिए, जिन्हें हम चुनते हैं अपने गांव के विकास के लिए, जिन्हें हम चुनते हैं हमारी मुसीबतें ख़त्म करने के लिए, वो लोग कुर्सियों के नशे में इस तरह से चूर होते हैं, अपने पावर के घमंड में इस तरह मगरूर होते हैं कि उन्हें जो है आम जनता की, आम पब्लिक की परेशानियां जो हैं वो दिखती नहीं है। एक शख्स जिसने इतनी लंबी अपना पूरा खेत बर्बाद कर दिया, उसके बाद पंचायत घर की जगह चिड़ियाघर जो है उसके खेत में बना दिया गया, वो बेचारा यहाँ पर कम से कम मक्खियाँ लगा के उन्हीं को बेच के कुछ खा तो लेता, उसकी ज़िंदगी अच्छी तो चलती, उसे कम से कम आप लोगों से उम्मीदें तो नहीं होती कि हमें आज नहीं कल नहीं परसों नहीं साल नहीं 10 साल नहीं कुछ तो मिलेगा, कम से कम वो अपनी उम्मीदें आपसे लगाए तो नहीं रखता। क्योंकि मैं आपको फिर बता दूं कि गांव के लोग जो होते हैं वो बहुत मासूम होते हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता है कि हमसे जो वोट तो ले लिया गया काम हमारा पक्का होगा। तो मैं अपील करना चाहूंगा तमाम उन एडमिनिस्ट्रेशन को जिनके साथ, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर है यहाँ पर, BDO है यहाँ पर, जई साहब है यहाँ पर, जो भी लोग हैं, वो इस पंचायत के बारे में, टांटना पंचायत के बारे में सोचें और इस चिड़ियाघर का जो है इसे कहीं ना कहीं पंचायत घर की शक्ल दें, ताकि यहाँ के लोग भी जो है धूप गर्मी या जो जब भी कोई इजलास वगैरह कोई भी पंचायत का काम हो तो वो यहाँ पर बैठ कर जो है अपनी डिस्कशन आराम से कर सके। तो आप बने रहें यूं ही लोकल रिपोर्ट के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। TLR प्रेजेंटिंग नानी की कहानी ऑन 10K के सब्सक्राइबर्स ऑन YouTube। तुम्हारे लिए कहानियों का खजाना लाई हूँ। इन कहानियों में
मेरे लिए, तुम्हारे लिए और सारी दुनिया के लिए संदेश है जिसे हम रोजाना जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। कहानियाँ सुनाओ ना। क्यों नहीं, तो सुनो पहली कहानी।